सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल विजडम सीए। और ये वीडियो हमारी प्लानिंग की वीडियो है और प्लानिंग हम करने जा रहे हैं नवंबर 2018 का, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीए आईपीसीसी ग्रुप वन का। तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सीए आईपीसीसी ग्रुप वन का एग्ज़ाम देना है। तो ग्रुप वन में जैसे कि चार सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल फोर सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और फोर सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी करनी होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, प्लस कुछ नोट्स भी अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, और कुछ और भी बातें जिससे कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपकी बनेगी। और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कम से कम पास तो आप हो ही जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी आप ला सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें। तो चलिए अभी करेंटली हम एक बार प्लानिंग करके ये देखते हैं कि आपके पास जो टाइमिंग है, तो टाइमिंग आपके पास कितनी है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 5th of July 2018, तो आज की डेट ये है 5th of July 2018, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास जो एग्जामिनेशंस होते हैं नवंबर 2018 में, 2nd और 3rd of November से आपके एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास आज से 4 महीने से भी कम है, सो लेस देन 4 मंथ्स, तो 4 महीने से भी कम का टाइम है। और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, प्लस आपको रिवीजन करना है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। रिवीजन देखिए सर, रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन तो आप करके ही जाइएगा, कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उससे क्या होगा कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, पहले तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको लगेगा कि सिलेबस बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और सिलेबस छोटा होने से बेनिफिट ये होगा कि जब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, मतलब जैसे कि आप अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले की जो पढ़ाई होती है, या लॉ का पेपर आपको देना है, उससे एक दिन का जो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उस टाइम में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर आपका सिलेबस आप छोटा कर लेते हैं तो। मतलब आपको इस तरीके से एक मेमोरी क्राफ्ट बना करके लेकर चलना है, इस तरीके से आपको सिलेबस याद करके चलना है, सिलेबस देख करके रिवाइज़ करके बार बार चलना है कि वो जो टाइम है, एक दिन का जो टाइम है, उस दिन में आप अपने आप को मैनेज कर सकें और अच्छे तरीके से नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे पाएँ। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवीजन रिक्वायर्ड है, कम से कम 3 से 4 बार की रिवीजन तो आप कर ही लीजिएगा। अभी आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, 4 महीने का टाइम है आपके पास करेंटली। अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं आज से, तो आप आराम से कम 4 से 5 बार तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। एक आप टाइमिंग लेकर के चलिए कि आपको जो है फर्स्ट आपकी जो रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन आपको 1.5 मंथ्स, मतलब लगभग 1.5 महीने में आपको पहली रिवीजन आपको ख़त्म कर लेनी है। 1.5 महीने का मतलब अच्छी रिवीजन एक होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे नियरली जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, वो सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए, प्लस इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, आईसीआई का जो मटेरियल है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, इसका मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में अगर आपने आईसीआई का मटेरियल सॉल्व कर लिया, इसका मतलब कि आपने 60 to 70 marks आपने सॉल्व कर लिए। तो अगर आपने केवल आईसीआई के मटेरियल सॉल्व कर लिए अकाउंट्स में, तो कम से कम 60 to 70 marks ही आईसीआई के मटेरियल से ही आते हैं। लॉ की बात करें, लॉ में भी यही होता है, टैक्सेशन में बात करें, टैक्सेशन में भी यही होता है, एंड कॉस्ट एंड एफ में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आईसीआई का जो मटेरियल है तो ज़रूर आप सॉल्व करके जाइएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूँ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक AS10 आया था अकाउंट्स में नया, सो यहाँ पे AS10 है, AS10 के कुछ सेपरेट नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाकर के उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस जितने भी फॉर्मूलाज हैं और भी कुछ चार्ट्स हैं, सो वो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक, जाकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट्स की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब जो ICI का मटेरियल है, सो ICI का जो भी मटेरियल है उसको पूरा आप सॉल्व करिए। और पूरा सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपके जो एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटजी है, एग्जामिनेशन की जो तैयारी है, वो तैयारी भी अच्छा होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि अकाउंट्स में आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई, सेकेंड भी सॉल्व करा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, थर्ड भी आपने सॉल्व करा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप थोड़ा सा अटक गए यहाँ पर। अब आपको करना क्या है
कि जिस पॉइंट पे आप क्वेश्चन नंबर फोर में अटके, तो क्वेश्चन नंबर फोर पे एक टिक लगा लीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए कि प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको दिक्कत है। अब कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन के सामने अगर जगह है तो, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रेफरेबल वो चीज़ें रहेंगी कि आप एक सेपरेट नोट्स बनाइए अकाउंट्स के लिए, और ये जो क्वेश्चन फोर का प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आप यहाँ पे लिखिए अपने वर्ड्स में, ताकि इस तरीके से लिखिए कि आप उसको समझ पाएँ। मतलब एक तरीके से मेमोरी क्राफ्ट का काम करेगा कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन जब आप करेंगे तो ये इतनी ईजी हो जाएंगे कि आप अगर एग्जामिनेशन में केवल इसको पढ़ के चले जाएँ तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, बस आपको करना ये है कि क्वेश्चन नंबर के सामने उसको लिखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसका एक मेमोरी क्राफ्ट आप अपने नोट्स में उसको बना लीजिए और उसको आप रिवाइज़ करते रहिए। सो रिवाइज़ करने का बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत टाइम बच जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंट्स में 12 चैप्टर्स हैं, एक अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट्स में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स में से अगर जो भी क्वेश्चंस हैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, पहले तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट रिवीजन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेकंड रिवीजन में आपको कुछ सेलेक्टेड सॉल्व करने हैं, मतलब जो भी आपने ये प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हल्का फुल्का आपको एक स्कैनिंग इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास 30% क्वेश्चंस ये प्रॉब्लम वाले आए, तो आपका जो टाइम है 30% टाइम भी लगा सेकंड रिवीजन में, तो आपकी जो रिवीजन है, रिवीजन की स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप देखिए कि जितने बार में आपने फर्स्ट टाइम में जितने क्वेश्चंस आपने 1.5 महीने में सॉल्व करे थे, उतने सारे का सारा सिलेबस आप केवल 15 डेज आपको लगेंगे, 15-20 डेज आपको लगेंगे सेकंड रिवीजन में। तो अगर आपके पास ऐसी मेमोरी क्राफ्ट कुछ आप बना लेते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो ये ज़रूर आप बनाइए, अपने खुद के नोट्स प्लस अपनी खुद की मेमोरी क्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम उसके लिए डिवोट करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 4 महीने अगर आप 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई कर लेते हैं, वो भी CA IPCC Group 1 केवल अगर आपको क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आपको 400 में से बहुत अच्छे कम से कम 250 से लेकर 270 नंबर तो आराम से आप ला सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी अगर आपकी अच्छी है और अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो सर, अभी हम बात करने जा रहे हैं CIPCC के लॉ के सब्जेक्ट की। लॉ के सब्जेक्ट से मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है कि उनका जो सिलेबस है, सिलेबस तो हो जाता है लेकिन कंपनीज एक्ट तैयार नहीं हो पाती है, या किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कंपनीज एक्ट जो है उनका एकदम तैयारी नहीं होता है, मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं होता है। सो जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो अभी भी टाइम है, चैनल पे सारी की सारी वीडियोस कंपनीज एक्ट की अपलोडेड हैं, आप जाकर के कंपनीज एक्ट की वीडियोस देख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, वो जाकर के एक बार आप देख सकते हैं। और कुछ और भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो डिस्क्रिप्शन में जाकर के कुछ नोट्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, तो सारे के सारे नोट्स आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। बाकी हम लॉ की बात करें, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोज़ बना के आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा आप अच्छे तरीके से एकदम पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं और उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो बात रही अभी लॉ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट एंड FM की। तो कॉस्ट एंड FM के लिए कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, एक ICI ने जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट के लिए भी नोट्स गिवन दिए थे, तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वो जाकर के न्यू सिलेबस के लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड सिलेबस के जितने भी लोग हैं, तो ओल्ड सिलेबस के सारे स्टूडेंट जितने भी लोग हैं, सो उनके लिए कुछ नोट्स हैं जो कि कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे के सारे नोट जो हैं एक जगह पे हैं, तो वो आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे जितने भी कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, आप जा करके वो सारा का सारा डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने चाहे तो मोबाइल फ़ोन में आप लेकर के, जैसे कि स्मार्टफोन आपके पास या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आप उसको डाउनलोड करके और बार बार देखते रहिए। कम से कम एक दिन में एक बार तो कम से कम एक चैप्टर का आप जो फॉर्मूलाज हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लगाना नहीं पड़ता, अगर आपको फॉर्मूलाज पता हैं तो वो सारे के सारे इजीली हो जाते हैं।
सो कॉस्ट एंड एफएम की तैयारी पैसे कर सकते हैं अगर बहुत अच्छे तरीके से आप फॉर्मूलाज रिवाइज करिए, प्लस नोट्स हैं अगर आपने स्टडी करा हुआ है किसी टीचर के नोट्स के से, या अगर आपने कोचिंग क्लासेस ली हुई हैं तो वो नोट्स को भी आप रिवाइज करिए, नोट्स अगर आप रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनके जो थियरी पार्ट हैं, क्वेश्चन जो होते हैं उन्होंने जो थियरी लिखवाई होती है उसी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व कर लिया, अगर आपके पास टाइम है, अभी फिलहाल में टाइम है नियरली 4 महीने का, तो अगर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपने कॉस्ट एंड एफएम का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि न्यू सिलेबस में है अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स हैं वो भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एक तरीके से वे पता चलेगा कि प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स में कैसे पूछा था, तो वो आपको एक तरीका पता चलेगा कि जो पास्ट अटेम्प्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो लेवल है उस पेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, मतलब आपका जो लेवल पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो आपके जो पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के लिए भी ICAI ने कुछ नोट्स दिए थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो टैक्सेशन वैसे दोनों लोगों के लिए, मतलब चाहे ओल्ड सिलेबस के लिए हों चाहे न्यू सिलेबस के लिए हों, दोनों लोगों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। टैक्सेशन दोनों लोग, मतलब चाहे ओल्ड सिलेबस को हों चाहे न्यू सिलेबस को हैं, दोनों लोगों के लिए सेम नोट्स काम करेंगे। अमेंडमेंट्स के भी कुछ लिंक गिवन है। सो जैसे कि मई 18 में जो अमेंडमेंट आया था, सो मई 18 का जो अमेंडमेंट था उसका जो अमेंडमेंट लिंक है वो नीचे गिवन है, वो जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो मई 18 का जो अमेंडमेंट है तो बहुत स्लाइटली चेंज होता है नवंबर 18 के एग्जामिनेशन में, तो बहुत स्लाइटली अगर कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उसकी वीडियो मिल जाएगी नवंबर 18 में, इनकेस अगर टैक्सेशन में कोई चेंजेस आते हैं तो। कोई भी ICAI नोटिफिकेशन निकालती है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक वीडियो मिलेगी, कोई भी चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन हो या चाहे किसी भी टाइप की नोटिफिकेशन हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाया करती है। सो ये तो बात रही नवंबर 18 के एग्जामिनेशन, मतलब नवंबर 18 के अमेंडमेंट्स की। अब हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स के लिए कुछ क्विक रिकैप नोट्स ICAI ने इशू करे थे, जो कि आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप रिवाइज करिए बहुत अच्छे तरीके से। सो एक तरीके से जो आपका रिविज़न है टैक्सेशन का उस नोट्स से हो जाएगा। सेक्शंस आप याद करते रहिए, उस जो नोट्स हैं उसको आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए और चलते फिरते रहिए। जैसे कि फ़ोन में आपने डाउनलोड कर लिए तो कहीं भी आप जा रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास स्पेयर टाइम है तो उस नोट्स को देख सकते हैं, सेक्शंस आप याद कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन आप ले लीजिए और उसको आप याद करना शुरू कर दीजिए, कुछ सेक्शंस के प्रोविजंस पढ़ लीजिए। तो ये छोटे छोटे टाइम है इसको आप यूटिलाइज़ करिए सेक्शंस याद करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे टाइम में आपके पास जो टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। तो अगर आप छोटे छोटे टाइम को छोटे चीज़ों में ही अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सेक्शंस याद करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप एक दिन बैठे सेक्शन याद करने के लिए तो डेफिनेटली बहुत बोरिंग काम है और डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे जो काम है, इस टाइप के जो बोरिंग काम है, उसके लिए 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपके पास जो स्पेयर टाइम होता है वो आप उस तरीके से उसको तैयार करिए। तो आपको सेक्शंस इस तरीके से तैयार करने हैं, जो भी आपके पास स्पेयर टाइम है, जैसे मान लीजिए कि आप टहल रहे हैं कहीं पे या कहीं पे दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, आपके पास कहीं पे ऐसे घूमने जा रहे हैं, तो जो भी आपके पास स्पेयर टाइम हो गया, कोई भी छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन फॉर एन एग्जाम्पल सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 आपका है GST में अगर आप बात करें तो सप्लाई का सेक्शन है, तो इस तरीके से सप्लाई है, थोड़े मोटे प्रोविजंस आपने पढ़ लिए और अपना जो है माइंड में थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज़ करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एकदम डेडिकेटेड रहना है कम से कम 4 महीने के लिए, सेक्शंस आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। सेक्शंस याद करने का यही तरीका है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेक्शंस आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये बात रही आपकी टैक्सेशन की, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस ICAI के मटेरियल आप पूरा का पूरा आप सॉल्व करिएगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली जो आपका ICAI के मटेरियल है उसी से उठ करके आ जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ICAI के मटेरियल आप सॉल्व करते हैं तो ICAI के मटेरियल से पूरे एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर मैं IPCC ग्रुप 1 की, तो IPCC ग्रुप 1 में 60-70% जो क्वेश्चंस होते हैं ऑन एन एवरेज ICAI के मटेरियल प्लस RTP जो ICAI इशू करता है उससे ही आते हैं। सो RTP भी आपको सॉल्व करनी है कम से कम 3-4 अटेम्प्ट्स की RTP भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको RTP से मिल जाएंगे, प्लस जो आपका मटेरियल है ICAI का, ICAI के मटेरियल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस कंफर्म्ड है मिलने, या तो सेम क्वेश्चन हो जाते हैं
या तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट जो है, मतलब जो नंबर्स हैं, नंबर्स चेंज होते हैं। सो इस तरीके से आप अच्छी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशंस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।